नीतीश कुमार जी ने जिद पकड़ ली है, जिद ठान ली है, राष्ट्रीय जनता दल के हाथ में बिहार को फिर से पहुंचाना चाहते। हर तरह से बिहार 2005 की स्थिति में लौटने लगा है। राजनीति में चाहे जिस तरह की परिस्थिति का सामना करना पड़े, हम और हमारे साथियों ने तय किया है कि हम तमाम तरह की परेशानियां आएगी, हम उसको झेल लेंगे, लेकिन बिहार को 2005 के पहले वाली स्थिति में नहीं लौटने देंगे। विरासत बचाओ नमन यात्रा को लेकर बीते दिनों राष्ट्रीय लोक जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष व पूर्व केंद्रीय मंत्री उपेंद्र कुशवाहा रोहतास के डेहरी ऑनसून पहुंचे। लोक जनता दल जिंदाबाद। बिहार के मुख्यमंत्री कैसे हो? उपेंद्र कुशवाहा कैसे हो? बिहार के मुख्यमंत्री कैसे हो? उपेंद्र कुशवाहा कैसे हो? इस दौरान उपेंद्र कुशवाहा ने सीएम नीतीश पर जमकर निशाना साधते हुए आड़े हाथों लिया और कहा कि नीतीश कुमार ने राजद के हाथ में बिहार को गिरवी रख दिया है। ऐसे में अब 2005 वाली स्थिति आ गई है और यहां अपहरण उद्योग फिर से शुरू हो गया है। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि राजद के साथ जाने पर नीतीश कुमार को कई बार मैंने मना किया था, लेकिन वह नहीं माने। मैंने यहां तक भी कहा था कि पार्टी आपकी है, भले ही आप राष्ट्रीय जनता दल के हाथ में कुर्बान कर दीजिए, लेकिन बिहार को राजद के हाथ कुर्बान कर दीजिएगा तो यह उपेंद्र कुशवाहा बर्दाश्त नहीं करेगा। नीतीश कुमार जी ने जिद पकड़ ली है, जिद ठान ली है, राष्ट्रीय जनता दल के हाथ में बिहार को फिर से पहुंचाना चाहते। अब बताइए 2005 के पहले क्या स्थिति थी? अभी पूरे तौर पर राष्ट्रीय जनता दल के लोग फुल फ्लेजेड शासन में नहीं है, आधा अधूरा है, और तब तो अपहरण उद्योग के मालिक लोग अपना अपना जो पहले कंपनी उनकी बंद हो चुकी थी उस कंपनी को फिर से शुरू कर रहे हैं। मुजफ्फरपुर में अपहरण हुआ, पटना में एक टीचर के सुपुत्र का अपहरण हुआ, पटना में डॉक्टर का अपहरण हुआ। लगातार अपहरण उद्योग जो कभी बंद हो गया था फिर से धीरे धीरे शुरू होने लगा है। हर तरह से बिहार 2005 की स्थिति में लौटने लगा है। भाई और मित्रों, राजनीति में चाहे जिस तरह की परिस्थिति का सामना करना पड़े, हम और हमारे साथियों ने तय किया है कि हम तमाम तरह की परेशानियां आएगी, हम उसको झेल लेंगे, लेकिन बिहार को 2005 के पहले वाली स्थिति में नहीं लौटने देंगे। पूरा का पूरा गांव, पूरी भीड़ गांव पर उमड़, सड़क पर उमड़ पड़ी। भाई और मित्रों, बीच में तो वर्षा भी होने लगी, पानी में भींग कर भी लोग स्वागत में खड़े थे। स्वागत प्रोग्राम में कल आएंगे तो किस रूप में मैं आपके प्रति आभार प्रकट करूं, मेरे पास शब्द नहीं। भाई और मित्रों, आप सब लोगों का प्यार और आशीर्वाद हमेशा मुझको मिलता रहा। ब्यूरो रिपोर्ट, देशवा न्यूज। सिर्फ खबर दिखाना देशवा न्यूज का मकसद नहीं, देशवा न्यूज की कोशिश है कि समाज की सूरत बदलनी चाहिए। देशवा न्यूज पर वीडियो देखने के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन दबाना न भूलें।